मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आया हूँ माहिम बीच। आज जैसा आप सब लोग जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे है, और आज यहाँ पे एक क्लीन अप ड्राइव होने वाला है, बीच क्लीन अप ड्राइव। हम लोगों ने देखा होगा फॉरेन में, दूसरी सारी सिटीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में, कि बीच बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ग्रीन ब्लू पानी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखता है। और मुंबई के बीच की हालत क्या है ये शायद आपको पता नहीं, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा। ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं कई जगह पे क्लीन अप मैसेज के लिए, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं कितना नहीं, ये हम खुद जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही यहाँ क्लीन अप ड्राइव होने वाला है, बीच के नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्लीन अप ड्राइव की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ती है। मुंबई की पॉपुलेशन इतनी है, उसको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, सीवेज सिस्टम को मैनेज करना दिक्कत हो जाती है, बारिश में हालत ख़राब हो जाती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल समंदर में गया रहता है नेचर मदर उसे रिटर्न करती है टू मुंबई का सिटीजन्स। और अगर मैं आपको साफ साफ दिखाऊं कि माहिम बीच की हालत क्या है, क्यों यहाँ बीच क्लीन अप ड्राइव आज होने वाला है, शायद आप लोग ने मुंबई में एक दो बीच के नाम सुने होंगे। गिरगांव बीच, जो कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और दूसरा है जुहू बीच। जितने भी टूरिस्ट मुंबई में आते हैं, ज़्यादातर जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं वन डे टूर कराते हैं, वो ज़्यादातर सब लोगों को गिरगांव और जुहू बीच लेके जाते हैं। बट उसके अलावा भी मुंबई में बहुत सारे बीच हैं। एक्चुअली मुंबई समंदर के तटीय इलाके में है, काफ़ी समंदर के पास में ही है। तो पूरा आप अगर वेस्टर्न साइड देखेंगे तो पूरा बीच से भरा हुआ है, और हर जगह आपको मुंबई कर और दूसरे टूरिस्ट दिख जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। और फेमस ना होने के पीछे की वजह भी है ये कचरा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ कितना कचरा है, क्यों यहाँ क्लीन अप ड्राइव की ज़रूरत है, ये आप देख सकते हैं। ये फिर भी बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ कि क्लीन बीच है, क्योंकि मैंने माहिम बीच देखा हुआ है जो इससे भी ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ करता था। मैं आपको पुराने मेरे फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा जहाँ पे इतना प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ रहता था यहाँ पे कि हम खड़े भी नहीं रह सकते, इतना भरा पड़ा रहता था, गंदगी रहती है, आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, पांव रखना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ही खस्ता हालत है। तो इसी वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट ये सारे बीचों पे नहीं आते हैं, ना ही टूर ऑपरेटर उनको ये सारे बीच पे लेके आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने मैं कह सकता हूँ कि इतने खूबसूरत नहीं है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे यहाँ आना। पानी बहुत गंदा रहता है, काला रहता है, इट्स नॉट गुड फॉर द स्विमिंग, जैसा फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा सोचते हैं कि बीच पे जाके दे गो एंड स्विम, बट इन मुंबई बीचेस दिस इज़ नॉट द सीन, सीन इज़ वेरी मच डिफरेंट। मतलब अर्थ डे के दिन ज़्यादातर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेट अवेयरनेस के बारे में लोगों को कैंपेनिंग की जाती है, उन लोगों को बताया जाता है पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं, क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा, प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जितने भी पॉल्यूशंस हैं, मतलब उन सब के बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन किया जाता है स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में, इवन बिजनेस हब्स है वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है, सो दैट हम लेसर से लेसर पॉल्यूशन करें, मदर नेचर को सेव करें,
ताकि हम एक खूबसूरत प्लैनेट में रहें। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, जहाँ हम रहते हैं, अगर हम अपने घर में ही कूड़ा करेंगे तो कैसे रहेंगे? हमें खुद अपने घर में कूड़ा पसंद नहीं है तो हम घर के बाहर इतना कचरा क्यों फैलाते हैं? ये भी हमारा ही घर है, हमारी ही जगह है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कचरे में रहें, कचरे में सांस लें, तो फिर बाहर इतना कचरा क्यों? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से भी, और आप भी लोगों को बताइए कि जितना पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं, आप प्लीज़ कीजिए। आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके की पॉल्यूशन आप उसका हिस्सा ना बने। जितना बंद कर सकते हैं आप प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था तब शायद उनको भी नहीं पता था कि ये आगे चल के कितना बड़ा इशू हो जाएगा पॉल्यूशन को लेके। ज़्यादातर जो पॉल्यूशन होती है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन ही होती है, और ये मेरे पीछे जो भी आप देख सकते हैं सब मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट हैं। काफ़ी टाइम पहले प्लास्टिक को बैन भी किया गया था इंडिया में, अभी हम प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे, हमें कहीं ना कहीं पता, मतलब दिख ही जाता है कि आज भी लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। कितने भी आप कैंपेन लगाएं लेकिन लोग प्लास्टिक यूज़ करना नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने तो मतलब कोशिश करी है, और मैं घर से अपने बैग्स लेके जाता हूँ जब भी शॉपिंग वगैरह या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीदने जाना है, या कुछ भी छोटा मोटा सामान घर के नीचे या आसपास से मुझे ख़रीदना है, तो मैं घर से अपना कैरी बैग लेके जाता हूँ, सो दैट मुझे वहाँ से वेंडर से प्लास्टिक की थैली नहीं लेनी पड़े। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट प्लास्टिक यूज़ ना करूँ, मेरे घर में प्लास्टिक यूज़ ना हो, जितना होता है कोशिश की जाती है। तो आप भी कोशिश करिए, हो सकता है उतना एनवायरनमेंट को क्लीन अप रखने की कोशिश करें, हो सकता है उतना प्लास्टिक यूज़ ना करें। टोटली मैं तो कहूँगा कि बैन ही कर दें, मतलब क्योंकि जब लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो वाइस वर्सा लोग यूज़ भी नहीं करेंगे। तो यही है कि आप इस पॉल्यूशन का हिस्सा ना बने, बल्कि अवेयरनेस का हिस्सा बने, कंट्री को, अर्थ को, अपनी सिटी को, अपने घर को, अपने आसपास के एरिया को, अपनी सोसाइटी को क्लीन रखने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं तो वो भी करने की कोशिश करें कि लोग भी कचरा ना फैलाएं। आप देख सकते हैं ये, मतलब मुझे बीच सुबह सुबह घूमने अगर आना है तो यहाँ क्या सीन है। क्या हम ऐसी जगह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आना पसंद करेंगे? आपकी जहाँ पे भी नज़र जाएगी आपको ऐसा ही कचरा देखने मिलेगा, विच इज़ लाइक वेरी कॉमन सीन ऑन मुंबई बीचेस। मैंने जितने क्लीन बीच देखे हैं, थोड़े बहुत वो गिरगांव और जुहू बीच देखे हैं, बट उससे भी ज़्यादा बहुत सारे बीच हैं मुंबई में जो लोगों को पता नहीं है, और लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वो इतने क्लीन नहीं हैं। तो अगर ज़्यादा क्लीन बीच होंगे, टूरिस्ट भी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग बीचेस पे जाएंगे, उतने ही लोगों को शायद रोज़गार भी मिलेंगे, उतने ही कम क्राउड होगा बीच पे, तो आप इंजॉय भी कर पाएंगे। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि भाई अगर बीच पे जाओ तो थोड़ा क्लीन बीच हो। हम एटलीस्ट समंदर के अंदर जाके पाँव भिगो के समंदर का मज़ा ले, ना कि हम प्लास्टिक में, कचरे में जाके अपना दिन ख़राब करें।
Dadabad here. I have a startup named HydroHealth, where we do environmentally friendly farming. We save 90% of the water. And here at Beach Please with Malhar and team, just Earth Day. Technically, every day is Earth Day. There's no special day as Earth Day. But it's the hype. We're all here doing what we were supposed to do long ago. Doing, you know, we're not expected to take care, but at least let's not destroy. At least let's not be responsible. It's our nature. Take care of it. And shout out to your name? Divyakant Solanki. Divyakant Solanki for being here and capturing real moments. May he and his YouTube channel go way ahead. Thank you. It's time that we realize that the earth is the only home that we have, and it's time that we really take care of our homes. Otherwise, it's going to be too late and we do not have a planet B to go to. And I personally believe instead of investing billions of dollars in going to Mars, let us invest that money, those funds, in rebuilding this planet, this earth, because this is the only planet where we can live, you know. So that's it. That's what I wanted to share. The basic point for doing a Meethe River cleanup is a lot of people don't know what the Meethe River is, right? I'm sure none of you all have had heard about the Meethe River before. Now, I've been living in Mumbai for the last 23 years and I never knew what the Meethe River was until I started a cleanup here. So the river that you look behind yourself is the Meethe River. 2006, we had major floods in Mumbai, waterlogging, right? One of the major reasons was the Meethe River. It got overflown with the rainwater, accompanied by high tides, and that became a problem for the city of Mumbai. So by cleaning up this place, we're not only trying to conserve the environment, but also trying to prevent the floods that we might face again during the monsoons in Mumbai. So it's a two-way street, and that's how important the Meethe River is. And we really want people to understand that Meethe River is very vital for the survival of the city of Mumbai. It originates at Pavai and Vihar Lake. It meets the ocean here at Mahim Creek. It's an 18-kilometer long river. There are industries around this river bank. The major problem is these industries dump their waste directly into the ocean and into the river. So open defecation, illegal sand mining, illegal settlements, all these are problems associated to the Meethe River cleanup. And that's the whole point, that we're trying to get more depth into this. ये थे मल्हार और कुछ डिजिटल क्रिएटर्स जिन्होंने अभी कैंपेना के बारे में बताया अबाउट बीच प्लीज करके जो यूथ इनिशिएटिव मल्हार ने शुरू किया हुआ है उसके बारे में उन्होंने बात की। यहाँ पे आए और थोड़ा बहुत वॉलंटियर्स वगैरह सब ने मिल के यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लीन अप कर दिया है। और बीच प्लीज करके जो यूथ इनिशिएटिव है मल्हार जिन्हें रन करते हैं पिछले 4 साल से, वो हर वीकेंड यहाँ आके मतलब बीच क्लीन अप ड्राइव करते हैं। तो क्लीन योर सिटी, प्लीज़ क्लीन द अर्थ एंड सेलिब्रेट द अर्थ डे। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप लाइकिंग।